जाएगी। और पापा एक हफ्ते से घर नहीं आए हैं। ट्राई करने में बड़ा बनना है, बड़ा बन के बर्तन धोना, तो यही धोने पागल के हम भैया बर्तन बहुत सारे हुए रहते हैं। और अभी हम जा रहे हैं, तो आज रचुदी लोग भी चले गए, तो मैंने जैसे कहा बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है और जाने का मन भी नहीं कर रहा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सुमन, और कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अभी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8:30 बजे से, और देखो अभी बाल ऐसे बिखरे बिखरे हैं, तो ऐसे ही उड़ गए क्योंकि मैंने आज सुबह सुबह ही उठा दिए, क्योंकि बहुत सारे बंदर आ गए हमारे वहाँ पे, इतने सारे बंदर आ जाते हैं। तो अभी हम सब उठ गए और आज रचुदी लोग भी जा रहे हैं, तो अभी एक महीने बाद, पूरा एक महीने बाद जा रहे हैं वो वापस, क्योंकि लड्डू लोग की स्कूल भी खुल गई है, तो अभी जाना है दीदी को। तो अब वो छुट्टियों में आएंगे जून की, तो अभी वो उठ रहे हैं और तैयार होंगे, तो अभी हम बना रहे हैं नाश्ता उनके लिए जल्दी, क्योंकि 10:30 बजे तक गाड़ी भी आ जाएगी। और पापा एक हफ्ते से घर नहीं आए हैं, मतलब 4 तारीख से घर नहीं है। पापा की इलेक्शन की ड्यूटी लगी है, क्योंकि अभी यहाँ पे इलेक्शन भी आ गए हैं, 19 को है इलेक्शन यहाँ पे, तो पापा को बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो पापा उनसे मिले भी नहीं हैं जाने से पहले। तो अभी यहाँ पर गाड़ी ऊपर ही मंगा रखी है, तो अभी उठ गए हैं सब। ये देखो यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, और यहाँ पे मम्मी रुटेना बना रही है बुआ के लिए, क्योंकि बुआ भी हरिद्वार रहती है, हमारी सबसे छोटी वाली बुआ, तो उनके लिए रुटेने बना रही है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है, तो अभी चलते हैं हम मुआदुल के नाश्ता बनाएंगे। और इतना सुंदर लग रहा है सुबह सुबह का मौसम, बहुत ही प्यारा वाला। यहाँ से अब ऐसा खाली खाली लग रहा ना, पहले यहाँ पर पूरे पेड़ थे, तो यहाँ पर से नीचे नहीं दिखती थी नज़र, अब सब लोग हमको देखते हैं। तो ये देखो, और धुंध इतनी जैसी लगी हुई है ना, बहुत ज़्यादा, और ठंडी दोबारा से हो गई है यहाँ पे, हल्की हल्की ठंडी हो रही है, मतलब कल तक को नहीं हो रही, पर बहुत कल से बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हो गई है। और नीचे देखो इतने सारे गेहूं भी है यहाँ पे, तो हमने बहुत सारी चीज़ें बोई हुई है। और हमारे गुलाब देखो इतने प्यारे हैं, तो अभी चलते हैं, चलो मुँह धुलते हैं। लड्डू हमारा तैयार हो गया है, नए नए सूज पहने हुए हैं आज इसने, लड्डू जा रहा है तो आज कहाँ, क्यों मत जाना स्कूल, अब छुट्टियों में आना। और अंकित भी आ गया है वहाँ पे, मम्मी भी अपनी रोटी पे चोड़ रही है, खा रही है। और यहाँ पे रचुदी लोग तैयार हो गए हैं, ये कल मैंने अचार बनाया हुआ था, ये है वो अचार। और यहाँ पे उनका सामान है, तो कुछ सामान यहाँ पे रखा हुआ है, ये इसमें आरसे वगैरह सब कुछ रखे हुए हैं। और ये है लड्डू लोग, रचुदी और कुहू को हाई कर दे, तो जा रही है कहाँ, क्यों अपने घर जा रही है, पढ़ाई करने मुझे बड़ा बनना है, और मैं बर्तन धोऊं बड़ा बन के बर्तन धोना, तो यही धोने पागल के हम भैया बर्तन बहुत सारे हुए रहते हैं। यार तूने बेइज्जती कर दिया रखने, बड़े होके बर्तन धो लेते तब जाए तुम्हारी दुकान। तो ये सामान लेके आ गए हैं हम, ये दो बैग इनके, और हमें अभी, और तेरी मम्मी ने तुझे जैकेट पहना रखा है, और हम तुम्हें हो रही है गर्मी बहुत ज्यादा वाली, तेरी बहन बल बड़ी होगी बल जब, तो बड़े होके उसको बहुत बड़ा बनना है, अब बर्तन धोना है। और ये लोग तैयार हो गए थे, और अब बारी आती है जाने की, तो यहाँ पे मैं टीका कर रही थी, और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम तक यहाँ रह गए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था इनके जाने पे, और इनको हमसे ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो मतलब कू और लड्डू का तो फेस ऐसा लग रहा था कि मतलब अभी रो जाएंगे, तो यहाँ पर टीका वगैरह किया और सीधा हम गए ऊपर सड़क पर, क्योंकि गाड़ी आ गई थी इनकी। और इस टाइम पे तो कुहू बिल्कुल रोने ही वाली थी, मतलब बहुत ऐसा लगा उसका फिर कि अभी रो जाएगी थी, छोटी है पर बहुत ज़्यादा इमोशनल है दोनों के दोनों।
और हमको भी बहुत ज़्यादा याद आएगी क्योंकि इस टाइम पे बहुत लेट तक रही। अगर एक दो दिन के लिए आता तो ज़्यादा बुरा नहीं लगता है, पर बच्चों के साथ में ऐसा हो जाता है कि और वैसे भी ये तो अपने बच्चे हैं। तो यहाँ पे काम चल रहा है, पापा ने यहाँ पे जोर शोर से काम चला रखा है। तो अभी हम छोड़ के आ गए हैं उनको नीचे, तो अब बहुत सुनसान लग रहा है यहाँ पे क्योंकि वो चले गए हैं। तो अभी हम भी नाश्ता करते हैं, मैं नाश्ता किया नहीं है अभी, उन्हीं को बनाया हुआ था नाश्ता। तो अब हमारी बारी भी आती है, अभी तो गौचर पहुँच गई होंगे। तो दोस्तों अभी दिन के बज गई है 3 और अभी हमने लंच भी कर लिया है, और लंच में आज थी कड़ी और चटनी और सब्जी वगैरह, और बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। तो अभी हमने कहा आज बहुत ही गंदा लग रहा है क्योंकि वो लड्डू लोग चले गए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा है, सुनसान सा लग रहा है। नहीं तो उनके हल्ले से ऐसा हो जाता था कि बहुत ही ज़्यादा हल्ला करते थे, तो आज बिल्कुल आपस में रहे शांत शांत। तो अभी बहुत ज़्यादा मौसम भी ख़राब हो गया, आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा मौसम ख़राब हो गया, आवाज़ भी हो रही है आसमान में, तो फिर शायद बूंदें भी पड़ी है बारिश की थोड़ा थोड़ा। तो अभी हम भी थोड़ी देर में निकल जाएंगे शाम को क्योंकि अंकित की भी ड्यूटी है, तो हम भी जाएंगे। और अभी हम चलते हैं अंदर, जो मिली के छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हम क्या कहते हैं रुई से दूध पिलाएंगे क्योंकि वो मिली अभी बाहर है और उनको उसको दूध भी नहीं हो रहा अच्छे से, तो वो भूख भूख से रो रहे हैं। तो अभी शाम के बज गई है 6 और अभी हम उठ के चाय वगैरह भी पी ली और तैयार हो चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं। तो आज रचुदी लोग भी चले गए, तो मैंने जैसे कहा बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है और जाने का मन भी नहीं कर रहा है, बट जाना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने सामान भी रख दिया है, ये देखो ये सामान है और ये अंकित है। तो यहाँ पे मेरी कुकी भी तैयार हो गई और मम्मी इतना सारा सामान दे रही है गायों के लिए, यहाँ से खाने के लिए जो भी बचा कुचा है, ये देखो ये सब बर्बाद हो गया, खाना इतना बर्बाद हो जाता है। और इसमें भी मम्मी ने जो निकाल के रखे हुए हैं मूली के वो जो डंठल वगैरह जो भी है, तो वो भी रखा है। तो ये सब मैं गाय को देने के लिए रखा हुआ है, जो गायें हैं यहाँ पे, अभी गाय है नहीं तो इसलिए, तो वेस्ट होने से अच्छा है तो मैं लेके जाऊँगी इसको। तो अभी चलते हैं हम। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं गौचर में मार्केट में, और अभी हम यहाँ पे गायों को खाना देने आए थे जो मम्मी ने खाना दिया है, और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं। आगे से तो बंद कर दिया उन्होंने गायों के लिए, पर पीछे यहाँ पीछे के नगर पालिका के पीछे साइड को यहाँ पे इसे खाना देने के लिए बना रखा है। तो अभी हमने वहाँ पे खाना दे दिया, अभी हम रूम के लिए निकलेंगे। और ये हेलीपैड पर भी तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, जब हम आते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है क्योंकि हम बहुत लेट आते हैं। तो अभी चलते हैं रूम पे। तो दोस्तों अभी हम रूम पे पहुंच गए हैं, और रूम पे पहुंचते ही सबसे पहले की सफाई, झाड़ू पोछा, क्योंकि झाड़ू पोछा तो नहीं किया केवल झाड़ू किया क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है यहाँ पे, जिसकी मैं आपको बताया तो अभी झाड़ू झाड़ू कर लिया है। और अभी करते हैं डिनर की तैयारी, तो अभी देखती हूँ कि क्या बनाती हूँ। मम्मी ने अब सब्जी भी दी हुई है घर से हरी सब्जी, तो शायद उसी को बनाऊँगी। और पहले और लाइट चली गई है, तो हमेशा ऐसे ही होता है वीडियो बनाती तो अगर लाइट चल जाती है, तो यहाँ पे इन्वर्टर की लाइट है, मतलब जो चार्जिंग वाला बल्ब है ना वो वाला बल्ब है, तो वो जल जाता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले करूँगी अपनी बेड शीट चेंज, क्योंकि बेड शीट भी बहुत ज़्यादा धूल हो गई है बेड शीट पर, काफ़ी टाइम से चेंज नहीं की जब से मैं घर गई हूँ, तो इसको भी पहले चेंज करती हूँ। उसके बाद फिर क्या कहते हैं डिनर की तैयारी करूँगी। और दोस्तों फिर इस वीडियो को मैं यहीं पकड़ती हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।